अभी कुछ दिन पहले ही 26 जनवरी बीती। भारत जब एक गणतंत्र बना तो संविधान में 5 तरीके लिखे गए नागरिकता के। पहला तरीका ये कि अगर आप पैदा होते हैं भारत में तो आप नागरिक हैं, चाहे आप हिंदू घर में पैदा हों, मुसलमान घर में, बौद्ध घर में, सिख ईसाई, कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा तरीका, अगर आपके माता पिता नागरिक हैं तो आप अपने आप नागरिक हो जाएंगे, उसका भी धर्म से कोई सरोकार नहीं। तीसरा तरीका नेचुरलाइजेशन का, अगर आप 11 साल भारत में रह गए तो आप भारत के नागरिक बन सकते हैं, धर्म का कोई संबंध नहीं। चौथा तरीका रजिस्ट्रेशन या एप्लीकेशन के जरिए आप नागरिक बन सकते हैं, अगेन रिलीजन हैज नो प्लेस इन इट। पांचवा तरीका टेरिटोरियल इनकॉर्पोरेशन, जैसे कि गोवा बहुत समय तक भारत का हिस्सा नहीं था, जब भारत का हिस्सा बना तो गोवा में रहने वाले सभी लोग भारत के नागरिक बने, फिर उसका धर्म से कोई लेना देना नहीं। तो धर्म के आधार पर नागरिकता को बांटने वाला ये कानून कैसे मोदी सरकार लेके आ सकती है? और फिर देखिए, मोदी जी बड़े विलक्षण आदमी हैं, वो तो पसीना मल के मुँह चमका लेते हैं, लोगों के कपड़े देखकर पहचान लेते हैं कि कौन क्या है, पर इतना विलक्षण आदमी भी अपनी एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री तो दिखा नहीं पाया। और अब वो चाहता है कि सब लोग लाइन में खड़े हो जाएं, जो भारत में रह रहे भारत के नागरिक हैं वो दस्तावेज दिखाएं और जो बाहर के लोग हैं उन्हें ऐसे ही नागरिकता दी जाए। 1970 के पहले के दस्तावेज मांग रहे हैं, खुद अपनी एक डिग्री नहीं दिखा सकते। और तो और, जो गरीब व्यक्ति है, जो गांधी जी ने जिसके लिए कहा था कि पंक्ति में खड़ा हुआ अंतिम व्यक्ति, वो व्यक्ति जिसके पास संपत्ति नहीं है, वो व्यक्ति जो रोज कमाता है और रोज खाता है, वो कहाँ से ये दस्तावेज लेके जाएगा, लेके आएगा? तो ये क्रोनी कैपिटलिज्म को सपोर्ट करने वाली जो सरकार है, ये सरकार जो केवल 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 इस देश के अमीरों की सरकार बनकर रहना चाहती है, जिसने इस देश से 31 भगोड़े हजारों करोड़ रुपए लेकर चंपत करा दिए, बाहर भगा दिए, वो सरकार गरीबों के बारे में नहीं सोचेगी। उस सरकार का एजेंडा ही यही है कि सांप्रदायिक राजनीति की जाए, कि ध्रुवीकरण की राजनीति की जाए, और वही इस देश में करने का बीड़ा इस सरकार ने उठाया है।